हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों एक बार फिर आ चुका हूँ बरेली में आप लोगों के लिए दिखाने द रेल कैफ़े। दोस्तों जो मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ इसकी और उस टाइम ओपनिंग नहीं हुई थी दोस्तों, तो ये द रेल कैफ़े जो है अब ओपनिंग हो चुकी है इसकी। इज्जत नगर स्टेशन पर ये रेल कैफ़े बनाया गया है। जो दो कोच हैं ट्रेन के उनको रेस्टोरेंट में तब्लीग किया गया है, पूरा बनाया गया है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहीं का नज़ारा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी चहल पहल है, कितनी भीड़ भाड़ है, क्योंकि इस द रेल कैफ़े की ओपनिंग हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, और रात का नज़ारा है, लगभग बज रहे हैं 9। और बरेली में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ये बनाया गया है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट जो है जल्दी कहीं नहीं बनाया गया है। तो बरेली में काफ़ी अच्छी चीज़ हो चुकी है ये कि आप लोगों के लिए रात रात में घूमने के लिए, दिन में नाश्ता वगैरह करने के लिए, चाइनीज़ वगैरह जो भी है रेस्टोरेंट में चीज़ें खाने पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत मिलेगी यहाँ पर आप आएंगे। पूरा एयर कंडीशन है दोस्तों ये, तो किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा। तो देख सकते हैं दोस्तों द रेल कैफ़े की ओपनिंग हो चुकी है और चहल पहल देखिए यहाँ पर दोस्तों। ये पूरा इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है और यहीं पर ये द रेल कैफ़े बनाया गया है बरेली में। ये देखिए दोस्तों, आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ इसका फ्रंट। ये देखिए तो द रेल कैफ़े कुछ ऐसा दिखता है और कितना बेहतरीन बनाया गया है ये आप लोग देख सकते हैं, कितनी भीड़ भाड़ है। और यहीं पर आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह पार्क हैं और ये स्टेशन है, पूरा इज्जत नगर स्टेशन है। ये देखिए पूरा बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये पूरा इज्जत नगर स्टेशन है और यहीं पर ये द रेल कैफ़े बनाया गया है। तो काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, दो कोचों में बनाया गया है, पूरा एयर कंडीशन है दोस्तों। ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर और कितना बेहतरीन इसको डेकोरेट किया गया है। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर आराम से यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी आ सकते हैं और पूरा एयर कंडीशन है दोस्तों। ये देखिए लोग वगैरह सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो बना खींच रहे हैं यहाँ पर, और भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं कितनी है, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग चल रही है इस टाइम दोस्तों। ये देखिए ये इस पर लिखा हुआ है इज्जत नगर टू व्यंजन नगर, बहुत अच्छी टैगलाइन लिखी है दोस्तों इस द रेल कैफ़े पर। और ये देखिए ये लिखा हुआ है टिकोना, मतलब टिकोना। ये देखिए कितना बेहतरीन लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बरेली में ये खंडेलवाल जी ने, ये पूरा डेकोरेट किया है, लगभग 25 लाख रुपए की लागत आई है इसमें। ये देखिए तो कितना बेहतरीन बनाया गया है और यहीं से एंट्रेंस भी है, देखिए लोग आ रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है और कितने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, डिनर वगैरह करने के लिए आ रहे हैं। पूरा रेस्टोरेंट है ये, बहुत अच्छा, पूरा एयर कंडीशन है दोस्तों। ये देखिए तो कितना बेहतरीन बनाया गया है, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर नज़ारा जो है कितना बेहतरीन है। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा है और आप लोग यहाँ पर आके द रेल कैफ़े में यहाँ के मज़े ले सकते हैं और एक बार ज़रूर विजिट करिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लग्जरी बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए दो ट्रेन के कोचेस को जोड़कर ये बनाया गया है, एक बनाया गया है जिसमें बर्थडे पार्टी वगैरह जो है आप कर सकते हैं, पूरा बुक कर सकते हैं इसके लिए, और एक में जो है टेबल वाला सिस्टम है। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन नज़ारा है और यहाँ पर ये देखिए वॉशरूम वगैरह भी है इसमें। ये देखिए तो ये वॉशरूम वगैरह भी है और ये पूरा इस तरह से कुछ नज़ारा दिखता है द रेल कैफ़े का, और पूरा इज्जत नगर स्टेशन के साथ जगमगा रहा है ये आप देख सकते हैं। तो कितना बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, और जब से इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं इसको देखने के लिए। ये देखिए स्वच्छ और स्वस्थ होगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, यहाँ पर ये लगाया गया है पोस्टर, और नीचे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है और कितनी बेहतरीन लाइटिंग वगैरह है। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और इस द रेल कैफ़े के एक बार मज़े लेके देखें आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बरेली में बहुत ही बेहतरीन जो है ये बनाया गया है दोस्तों, लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं इसको देखने के लिए। और ये दिखाता हूँ आपके लिए, देखिए ये इज्जत नगर स्टेशन है, ये देखिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है इज्जत नगर स्टेशन का। तो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, इसमें आप ज़रूर आएँ एक बार। ये देखिए इज्जत नगर स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहीं पर इसको बनाया गया है दोस्तों, और कैमरे वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे असुविधा नहीं होने वाली। और पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पर कई तरीके के आपको खाने मिलेंगे, कई तरीके के व्यंजन मिलेंगे आपके लिए। ये देखिए तो आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का, और ये देखिए भीड़ भाड़ कितनी है दोस्तों। ये देखिए 10 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं इस टाइम बाइक के, और बाउंसर वगैरह भी हैं यहाँ पर, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता है यहाँ पर। ये देखिए
तो आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर घूमने के लिए। देखिए अंदर सर्व किया जा रहा है खाना, और शेफ़ वगैरह है, वेटर है, तो काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों इस द रेल कैफ़े का। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, और लोग आके यहाँ पर सेल्फी खिंचा रहे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है ये बरेली में, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है इसके लिए। ये देखिए, और लोग यहाँ पर लाइन लगा कर खड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए। ये देखिए, और जल्दी में ही ओपनिंग हुई है, 2-3 दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है। ये देखिए कितना बेहतरीन है इसका एंट्रेंस गेट, देखिए, और हर चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर, भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। ये देखिए तो कितना बेहतरीन बनाया गया है, अंदर पूरा बुक है, पूरा भरा हुआ है, तो लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन बनाया गया है। तो इधर रेल कैफ़े एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो है बरेली में एक केंद्र सा बन चुका है, जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये देखिए, और बहुत ही सुंदर बनाया गया है क्योंकि इसके लिए, तो आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर। और इसका एड्रेस है दोस्तों इज्जत नगर में, इज्जत नगर स्टेशन पर जब आप आएंगे तो स्टेशन पर ही इसको बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, और लोग यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं, देखिए तो कितना बढ़िया है, और काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं आके। ये देखिए दोस्तों, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, और आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आप नए नए सजेशन दे सकते हैं मेरे कि किस टाइप की आप लोग वीडियो चाहते हैं, और मैं उस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा है ये द रेल कैफ़े, पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। और ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ भाड़ है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लव यू ऑल दोस्तों।